गाइस, सो आई जस्ट गॉट अ हेयर कट. आई फॉरगॉट टू शूट द इंट्रो, तो मैं अभी शूट कर रही हूँ आफ्टर गेटिंग द हेयर कट. बट आई हैव द हेयर कट क्लिप्स विच आई विल एड नेक्स्ट. सो यस, आई गॉट दिस हेयर कट. तो मैंने आगे से बैंग्स कराए हैं, एंड वो जब ग्रो हो जाएंगे तो वो साइड में कर्टन बैंग्स की तरह आ जाएंगे. नाउ इफ़ यू फॉलो मी, यू मस्ट हैव सीन कि मैंने 2 वीक पहले केराटिन करवाया था, एंड शी ट्रिम्ड माई एंड्स क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ एंड्स थे. मुझे नीचे से तो ट्रिमिंग नहीं करानी थी बिकॉज शी हैड ऑलरेडी कट लाइक अबाउट 2-2.5 इंचेस. बट इसने क्या किया, पीछे से तो थोड़ा सा ही ट्रिम किया, आगे से ही गेव मी लाइक फेदरिंग लेयर्स सिर्फ आगे का पार्ट. एंड बिकॉज फेदरिंग में इट गोज लाइक स्टेप वाइज इन लेयर्स, और पीछे से नॉर्मल यू रहेगा. नहीं तो उसने क्या बोला, पूरा फेदरिंग होता है तो पीछे से वी रहता है, एंड आफ्टर 2-3 मंथ्स जब हेयर ग्रो होते हैं इट लुक्स लाइक अ पूछ, सो दैट डजेंट लुक गुड. तो पीछे से नॉर्मल यू रखा है, आगे से फेदरिंग किया है, एंड फ्रंट में सिर्फ थोड़े बाल बैंग्स किए हैं. आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस. मतलब अभी तो अच्छे लग रहे हैं बिकॉज ही हैज़ स्टाइल्ड एंड ऑल, एंड बिकॉज मेरे हेयर में केराटिन था ही हैज़ डन टाइट टोंग्स. बट वो 2-3 घंटे में खुल जाएंगे बिकॉज मेरे बाल नॉर्मली भी स्ट्रेट है तो टोंग्स रहते नहीं है. ऑल्सो आई हैव गॉट दिस पिम्पल योर विच आई एम हेटिंग, इट्स वेरी पेनफुल. तो ये बैंग्स से वो हाइड भी हो रहा है. एक यहाँ पे भी हुआ था, एक यहाँ पे हुआ था बड़ा वाला विच इज़ गॉन नाउ, बट द स्कार विल टेक लाइक few weeks to go. I am testing out this new vitamin C which is working really well, and ये मुझे pimple, I think I have been using a new retinol, उसकी वजह से हो रहा है. winter है especially, तो I have stopped using it for a while now, but अभी भी थोड़े थोड़े breakouts हो रहे हैं. तो जब ये आगे के bangs grow out हो जाएंगे तो मैं middle partition करके उसको curtain bangs की तरह रख सकती हूँ. मैंने अब तक खाना नहीं खाया है, and I am super hungry, तो देखते हैं क्या है खाने में. तो नॉर्मली तो मैं व्लॉग्स नहीं करती, बट आज का दिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है. देर आर अ फ्यू थिंग्स प्लान, तो मैंने सोचा आज व्लॉग करूँ. लाइक पहले तो ये हेयर कट था, एंड आई हैव टू गो एक्सचेंज H&M में मेरा एक स्वेटशर्ट. इफ़ यू रिमेंबर माई प्रीवियस हॉल, एक येलो कलर का स्वेटशर्ट लिया था, तो मैंने M लिया था बट इट इज़ ओवर साइज्ड, तो वो बड़ा लग रहा है. सो आइदर आई विल गेट एन S या तो मैं रिटर्न कर दूंगी, मैं वही सोच रही हूँ. तो आई हैव टू गो देयर बिकॉज वो 1 मंथ रिटर्न पॉलिसी है, एंड मैं कोविड की वजह से निकली ही नहीं हूँ ज़्यादा. सो इट्स बीन 3 वीक्स, तो मैं सोच रही हूँ आज जाके आऊँ. एंड ऑल्सो रात को डिनर के लिए जा रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू दिस न्यू प्लेस. आई थिंक इट्स एन एशियन प्लेस, इट्स कॉल्ड ज़ेनमाई. एंड या तो आज का दिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आई थॉट आई शुड व्लॉग. नहीं तो मैं, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था, मैं सिर्फ पूरा दिन घर पर रहती हूँ, शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ. So I'll take you guys along, but पहले खाना खाते हैं. And because the dinner is going to be heavy, आज lunch में खिचड़ी कड़ी है which I'm not a fan of, but वैसे भी बहुत late हो गया है तो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ. कड़ी and खिचड़ी, I'll eat it with थोड़ा अचार. Also, who else likes eating cheese? Comment below if you do that too. I love cheese. मेकअप तो इज डन, आई क्विकली चेंज माई आउटफिट. ओके, आई थिंक दिस लुक्स क्यूट, लेट्स शूट. तो आई हैव शॉट द रील, एंड आई थिंक मैं एक और रील शूट करूँगी, एक मिनी छोटा वाला जो जल्दी हो जाएगा. एंड देन I'll have some chai and then we will go to H&M and वहाँ से फिर सीधा डिनर के लिए चले जाएंगे. Yep, that's the plan. Second वाली भी हो गई, took about 5-10 minutes. I'll make chai now. My battery is low, I'll keep the phone on charging till then.